जी हमारा ना क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन रहा है, ये साथ में देखिए KFC का भी लफाफा पड़ा हुआ है। तो इसको सामने रख के बना रहे हैं ताकि अच्छा बन जाए। दिखाएंगे क्या बनाया आपने। अच्छा भाई गुजारा हो गया, नहीं सही बन गया क्रम्स। इतने प्यारे बनाए, हाँ डालो इसमें। ऑयल भी गर्म नहीं है। अच्छा ऑयल ठंडा, ठीक हो गया। ये देखो विदाउट वाटर। विदाउट वाटर, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। तो इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम अभी इसको ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रायल बेसिस पे है। तो अभी ऑयल गरम, नहीं गरम ऑयल में डालने, ठहरो अभी पहले ऑयल को गरम होने दो, अभी नहीं डालने। वही चेक कर रही हूँ अभी हुआ कि नहीं। हाँ अभी छोड़ दो ना, एक मिनट साइड पे रख लो, ऑयल को गरम होने दो। अब डाल दो, गरम हो गया। हाँ इतना ऑयल गरम होना चाहिए, फिर इसके अंदर डालना है, फिर इसके क्रम्स बनेंगे, मतलब कि चिकन हमारा सही बन जाएगा। अच्छी तरह झाड़ लो इसका एक्सेस जो। तो ये बन रहा है जी हमारा, ये हमारी ना टेस्टिंग वीडियो है, पहले हम इस तरह टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसकी जो प्रॉपर रेसिपी होगी ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आज फिर इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्या बना है इसका। ये ना कितने प्यारे ब्रीड से है ना, नहीं नहीं ये जबरदस्त है, ये सही वो एक्स्ट्रा जो कोट हो जाते हैं ना, थोड़ा मोटा मोटा मिलता है वो। नहीं वो डबल कोटिंग से बेहतर है, ये मेथड बहुत अच्छा है। ये है बोनलेस, हाँ बगैर हड्डी के, ठीक है इसमें जबरदस्त। चलो चलें गाइस, ये फ्राई होता है ना फाइनल पे, मैं आपको दिखाता हूँ और इंशाल्लाह ताला इस KFC को आप भूल जाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको ना तकरीबन 40 के सेकंड के लिए छोड़ा है, उसके बाद इसको हलाया है। तो ये है जनाब हमारी टेस्टिंग वीडियो, टेस्टिंग रेसिपी, मतलब ये पहले हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। मेरे ऊपर ना चिटे डाल देना, टेस्ट करते करते मेरा पाँव ना जला देना कोई हाथ पैर। गिर गई है वो। चलो कोई बात नहीं, मैं जब पक जाऊंगी फिर नजर आऊंगी, ऐसे भी नजर आऊंगी। चलें गाइस क्या बनता है अभी देखते हैं, अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं। बस अभी इसको फ्राई होने दो, तो वो बकेट वो निकालो उसमें से। ये एक्चुअली ना हमने वो इसकी ना ऑर्डर किया था होम ऑर्डर KFC का, तो उसमें ही हमें ना इसने प्लेटें वगैरह भेजी थी। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है इसकी फाइनल लुक, ये देखो ये आपके सामने है माशाल्लाह। वेरी गुड, अब मैं अपने बिल्ले से पूछूंगा, वो खा के बताएगा कि KFC जैसा ही या डिफरेंट है। लो जी वैस भाई ये चेक करो, खा के बताओ। ये देखो। अच्छा ये खा के बताओ KFC जैसा चिकन बनाया आपके लिए। हाँ इधर आ जाओ, इधर आके आ जाओ, इसको आप चेक करो खा के और फिर मुझे बताओ कि ये कैसा बना है। गुड़िया भी उठ गई, अभी गर्म है, ध्यान से हाथ ना चला लेना। लें जी अभी मैं इसको चेक करता हूँ, लुक्स तो ज़बरदस्त लग रही है देखने में, अब खा के देखते हैं। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहीं ज़बरदस्त है, यकीन करो इसमें इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। अब अवैस मुझे नहीं दे रहा, ये तुमने मुझे अब लहदा बना के देना मेरा पैकेज, ठीक है। ये मैं खा लूँ, ये मैं खा लूँ। चलो जी मुझे एक बाइट मिल गई है, बाकी मेरा पैकेज लहदा बनेगा। एक्चुअली हम ट्राई कर रहे थे कि जो हम डबल कोटिंग में चिकन बनाते हैं ना वो हमारा सही नहीं बनता, तो सिंगल कोटिंग से हम कैसे बना सकते हैं। तो ये आज हम ना
सीख रहे थे अभी रेसिपी, तो इंशाल्लाह इसकी जो टेस्टिंग करने के बाद ना जब रेसिपी इम्प्रूव हो जाती है ना, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो में आपके साथ अथेंटिक क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा, बगैर क्रम्स बनाए, बगैर उसकी कोटिंग डबल किए, पानी में डुबोए, तो बहुत ही आसानी के साथ। हाँ जी वैस बेटा, कैसे बनी? KFC जैसा है ये डिफरेंट है? KFC जैसा है? अच्छा, अब ऐसा हमसे नाराज था, ये कह रहा था कि आप हमें ना कोटिंग नहीं करके देते इसके ऊपर मैदे की। अब ऐसा को कोटिंग वाला चिकन पसंद है, तो हमने फिर ना ये एक नया तरीका निकाला कि इसके अंदर ना कोटिंग भी हो जाए और हमारा चिकन मतलब हमारे अंदर मैदा भी ज़्यादा ना जाए, तो उसका बेहतरीन हल ये निकाला है।